गाइस वेलकम बैक। ये जो वीडियो है थोड़ा सा डिफरेंट है, रेगुलर वीडियो जैसा नहीं है, जैसे मैं न्यूज़ देता हूँ अपडेट देता हूँ वैसा कुछ भी नहीं है। ये जो वीडियो ये थोड़ा अवेयरनेस के हिसाब से है। अभी अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे लोकल कंपनियां हैं जो अभी के टाइम में अपनी गाड़ियां सेल कर रही है। मैक्सिमम जो गाड़ियां जो उनकी सेल होती है वो 1 लाख के अंदर होती है, 80,000 के अंदर होती है। और ईवी इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो हो चुका है अभी के टाइम पे देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रो हो चुका है। बहुत सारे नई कंपनी आ चुकी है, बहुत सारे अच्छी गाड़ियां देखने को मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो अपनी गाड़ियों को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं एंड वो एक जायंट कंपनियां भी है। तो ऐसे में जो लोकल कंपनियां हैं जो लोकल गाड़ियां बनाते हैं क्या हमें उसे कंसिडर करना चाहिए? वेल मैं ऐसा नहीं समझाऊंगा, मैं एक थोड़ा घुमा के समझाऊंगा आपको। वेल आप लोगों ने प्योर ईवी की ई प्लूटो 7G तो देखी होगी, एक रेट्रो स्टाइल की इलेक्ट्रिक स्कूटर है और ई प्लूटो के बारे में तो काफी लोग जानते ही होंगे क्योंकि बहुत सारे फायर इंसिडेंट हुए हैं उसके, तो वैसे तो उसको बहुत लोग जानते हैं। बट क्या आपको पता है सेम डिजाइन की गाड़ियां मैंने लोकली एक जूम या कोई सी तो कंपनी की मैंने स्कूटर देखी, सेम डिजाइन, कोई चेंजेस नहीं है, वही BLDC मोटर, वैसा लुक, वैसा डिजाइन उसका, वही मीटर, सब कुछ वही देखने को मिलता है, बट वो एक लोकल कंपनी है। तो इससे हमको क्या ज्ञात होता है? इससे हमको ये ज्ञात होता है जो वो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो ई प्लूटो यूज कर रहा है या वो लोकल कंपनी यूज कर रही है उनका जो ढांचा वो सेम है। अब ढांचा सेम है तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि सेम कंपनी है, नहीं, सेम कंपनी है। इससे ये समझ में आता है कि ये सारे जो कंपनियां हैं ये बेसिकली पार्ट्स को अवेलेबल करवाती है। अब ये कहां से करवाते नहीं पता, काफी लोगों को तो ये चीज पता ही होगा कि चाइना से बहुत सारी चीज इंपोर्ट होती है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि हो सकता है कि चाइना से ये इंपोर्ट कराते हो, यहां पे असेंबल्ड करते हो और देन आपको वो गाड़ी सेल कर देते हैं। ऐसे में वो जो गाड़ी है ना वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं बनती है, वो ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो जाएगी, इस टाइप की गाड़ियां रहती है। ऐसे में ये गाड़ी लेना तो सही है, मतलब जिनका बजट टाइट है वो तो ले सकते हैं, बट कितने साल तक ये टिकेगी ये नहीं पता। और वही विपरीत अगर आप थोड़ा सा पैसा सेव करते हैं, अच्छा खासा सेव कर लेते हैं, अच्छा खासा भी नहीं बोलना चाहिए, अगर 80,000 तक आप सेव कर लेते हैं और थोड़ा सा और सेव कर लो, 1 लाख के ऊपर तक कैसे भी करके पहुंच जाओ, 1,10,000 तक भी पहुंच जाओ, तो आप एक जायंट कंपनी जो बेसिकली R&D पर ज्यादा मेहनत करती है, अपना यूनिक डिजाइन है, सारी चीजें इन हाउस होती है एंड वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कुछ भी होता है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे भले थोड़ा टाइम लगे बट वो हेल्प जरूर कर सकते हैं। तो उस टाइप की गाड़ी लेना ज्यादा प्रेफरेबल मैं मानता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बैटरी है ना, बैटरी क्वालिटी भी अच्छी होती है, बट जो 80,000 में अगर बैटरी क्वालिटी की बात करें तो कितना ही अच्छा होगा, उतना अच्छा नहीं होगा जितनी जायंट कंपनियां एक्चुअल में बैटरी प्रोवाइड करती है। हालांकि अगर आपका बजट टाइट है तो फिर भी बैटरी कैपेसिटी थोड़ी छोटी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब बैटरी मिलेगी। एंड वही अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो 80-90,000 की जो लोकल कंपनियां जो गाड़ियां प्रोवाइड करती है उनकी जो बैटरी है उसकी गारंटी बहुत कम होती है, और बैटरी कॉस्ट आपको पता ही है कि गाड़ी के कंपेयर में बैटरी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अगर गुड क्वालिटी की है तो भाई बहुत हाई प्राइस जाता है, एवरेज क्वालिटी की बैटरी है तो उसका प्राइस भी कम जाएगा, बट 80,000 में से लगभग 50,000 की तो वो बैटरी होती है जो वो कंपनी वाले यूज करते हैं अपनी गाड़ी में। एंड सारे के सारे आजकल तो वो एसिड बैटरी हट चुकी है, आजकल वही लिथियम आयन बैटरी यूज होती है, एंड लिथियम आयन बैटरी की कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा पड़ती है रेगुलर जो बैटरीज होती है उसके कंपेयर में, एंड उसमें भी कौन सी केमिस्ट्री है काफी कंपनी वाले को पता ही नहीं होता, काफी कंपनी वाले को पता होता है। तो ऐसे में क्या है कि आप ले तो लोगे लेकिन कब तक वो सस्टेन कर पाएगी कंपनी ये नहीं पता। इट्स बेटर आप ऐसे कंपनी की तरफ जाइए, थोड़ा सा मतलब पैसा होल्ड करके रखिए, वही इलेक्ट्रिक स्कूटर लीजिए जो एक्चुअल में लोगों को रिव्यू पे अच्छी लगी है, लोगों को पसंद आई है, लोग ज्यादा परचेज भी कर रहे हैं। वैसे तो लोकल बहुत सारी कंपनियां, अभी तो एन नंबर ऑफ कंपनियां, अब कौन सी अच्छी कौन सी बुरी ये तो नहीं पता, बट मैं एक चीज समझ में आ चुका हूं, जो सिमिलर डिजाइन की गाड़ियां होती है ना वो तो समझ लो भैया यही की यही असेंबल हो रही है, सब कुछ यही पे हो रहा है, बस आपको प्रोडक्ट चिपका दिया जा रहा है विद न्यू ब्रांड। सो ये एक चीजें चल रही है मार्केट में, बट स्टिल इसके एरिया में जो बड़ी जायंट कंपनियां नहीं है उनके पास यही एक ऑप्शन है, तो इसी कारण से काफी लोग तो ले ही लेते हैं क्योंकि उनको तो पेट्रोल महंगा पड़ रहा है, वेदर जो इलेक्ट्रिक है सस्ता पड़ रहा है, इवन जो लोकल गाड़ियां होती है ना उनकी फाइबर क्वालिटी भी बस ओके मतलब जस्ट ओके, मतलब गिरी या किसी गाड़ी ने आके ठोक दिया तो पूरा का पूरा फाइबर तहस नहस हो जाएगा। ऐसी गाड़ी लेके भी क्या फायदा जब 80,000 भी एक मैटर करता है, 80-90-60,000-70,000 की गाड़ियां भी आती है, इन गाड़ियों में भाई पैसे भी मैटर करता है, सब कुछ ऐसा नहीं है कि बस गाड़ी उठाई और चला ली, उसमें रिस्क फैक्टर भी होता है, कंपनी ने कितने R&D की है, क्या वो बैटरी सेफ है या नहीं है। वैसे भी आप लोगों को पता है हाई टेम्परेचर अपने इधर इंडिया में बहुत ज्यादा रहता है, अब हाई टेम्परेचर में अगर आप इस टाइप की बैटरी लेके चलते हैं तो क्या वो ब्लास्ट होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, बाई चांस कुछ हुआ तो भाई ऊपर ही जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा रिसर्च करिए एंड देन ओनली आप गाड़ी परचेस करिए। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री नहीं है लेकिन अब यहाँ पे लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोगों को ज्यादा पता है गाड़ी कैसी रन करती है और कैसा स्वभाव रहता है डेली
सिटी यूज के हिसाब से ऐसा देखा जाए तो यस राइट नाउ आपको इस टाइप की गाड़ियां लिटरली बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करनी चाहिए लोकल। खासकर ऐसी कंपनी की गाड़ी लीजिए जिसको आप एक्चुअल में लॉन्ग टर्म के लिए चला सकते हैं और जिसके थ्रू आपका बेनिफिट भी हो, ऐसा ना हो कि आपको ठग लिया गया हो। ऐसी गाड़ी लो जिसमें आपका प्रॉफिट हो और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हेल्प करे। आई होप आपको समझ में आ गया ये वीडियो। वीडियो चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।